जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल से आप जुड़ जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, ये जो चैनल है, इससे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत नई नई जानकारी आपको हमेशा आपको मिलती रहती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम सोचने वाले लोगों के बारे में और ज़्यादा सोचने वाले लोगों के बारे में। ये क्या है कम सोचना, ज़्यादा सोचना? ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी है, एक बहुत बड़ा रहस्य भी है, जो शायद हमें जान कर अच्छा लगेगा। कई सारे जातक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज़ के लिए इतनी सारी बातें सोचेंगे, इतनी सारी तरीके से सोचेंगे और तब जाके किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। बहुत से लोग बहुत कम सोचेंगे और तुरंत निर्णय लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोनों अपने प्रकृति का है, दोनों एक अलग रंग है और दोनों ही स्थितियों का जो परिणाम है वो भी अलग अलग है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे ना, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन्हें चिंता है, टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जितना सोचेंगे, हम जितना दिमाग को सोचने में व्यस्त करेंगे, उतने दिमाग के घोड़े हमारे जो दौड़ेंगे, हमारी कल्पनाएं जितनी दौड़ेगी तो उससे हमारी नेगेटिविटी बढ़ेगी। जो जितना सोचता है, देखिए, किसी भी विषय पर चिंतन करना एक अलग विषय है और बहुत ज़्यादा सोचना एक अलग विषय है। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। चिंतन का एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, उसके अच्छे बुरे सब परिणाम है, लेकिन जब हम सोचते हैं ना दोस्तों, तो उसमें सबसे अधिक नेगेटिविटी का जन्म होता है। आप देखिएगा, अगर आज से 5 साल बाद क्या होगा उसके बारे में आप जब सोचेंगे, अगर आप एक किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आपके मन में ये ज़रूर ख्याल आएगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, ये सेक्टर बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो शुरुआती उसकी जो पॉइंट है वो नेगेटिविटी से शुरू होता है। तो मैं सीधा सा कहना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनमें मुकाबले कम सोचने के नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, और यह प्रैक्टिकली भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो समझ जाइएगा कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आज से ये आदत आपको बदलना है, बहुत ज़्यादा आपको किसी भी बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल कम सोचें और अच्छा सोचें। जो लोग कम सोचते हैं उसमें 80% उनको उम्मीद से भी अधिक प्रभावशाली परिणाम मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पॉइंट 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 से सोचा, उस पर काम किया, काम करने के बाद उन्हें सफलता मिली, ठीक है, नई सफलता मिली और आगे बढ़ के फिर सोचा। तो वो जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। और जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो कई बार किसी एक अच्छे निर्णय पर जाकर भी वापस आ जाते हैं। तो ज़्यादा सोचने से दिमाग जो है, मस्तिष्क है, जो हमारी योग्यता है वो भी कम होती है दोस्तों, क्योंकि उनके पास, दिमाग के पास जो सूचनाएं होती है, बहुत सारी सूचनाएं होती है, उसमें से जो क्रीम होता है वो आपके लिए प्रस्तुत कर देता है। आप उस क्रीम में से भी अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो अंत में होता क्या है कि जो काम की चीज़ें नहीं होती, जो जिनका वास्तविकता में कोई औचित्य होता नहीं, हम उस बारे में और गलत रास्ते पर सोचने लग जाते हैं। तो पहली बात है कि आपको किसी भी विषय पर, किसी भी चिंतन पर अच्छा और कम सोचना है, ये बात जानने के, जो बेसिक्स हैं उन पर आपको फोकस करना है और बेसिक्स को फोकस करके ही आपको आगे बढ़ना है। अब जो लोग कम सोचते हैं उनके साथ भी एक थोड़ी सी जो टेक्निकल परेशानियाँ होती हैं, कई बार कम सोचने में हमें जो मुद्दे की बात है हम वो नहीं कर पाते, मतलब कम सोचते हैं जो उसके अंदरूनी मसले हैं जिस भी चीज़ के, उन मसलों तक हम पहुँच नहीं पाते। हमने तो बस ये सोचा मकान बनाना है, ईंट लाना है, पत्थर लाना है, ये लाना है और मकान बन जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसका डिज़ाइन कैसा होगा, अंदर डेकोर कैसा होगा। तो ये कम सोचने का एक फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा उदाहरण है मेरा। तो कम सोचने में ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो कम जरूर सोचें पर हर एक विषय पर कम कम सोचें। कम सोचने का मतलब ये मत लीजिएगा किसी भी कार्य के बारे में बस थोड़ा सा सोच लीजिए। कम सोचने का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके कितने विषय हैं, कितने पार्ट हैं, हर पार्ट को किस तरह से किया जाएगा, और बस इसे फाइनल करना है और आगे बढ़ना है। कम सोचने के फायदे हैं, तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होगी, आपको परिणाम भी मन से मुताबिक परिणाम मिलेंगे। और ज़्यादा सोचने से आपको एक तो नेगेटिविटी आएगी, और कम सोचने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे और सकारात्मक वे में काम करेंगे, और आपको जो परिणाम है वो अद्भुत मिलेंगे। मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये जो जानकारी है, कम सोचना, ज़्यादा सोचना,
कि कैसे लगी आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखेंगे, पर मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप कम सोचें अच्छा सोचें। अगर आपको जानकारी कहीं कुछ हद तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री महाकाल, और जो भी आपके इष्ट देव उनका नाम आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।